आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नैपचैट ऐप पर अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं, यानी कि स्नैपचैट में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। लाइव अकाउंट बना के बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आके स्नैपचैट ऐप सर्च करके इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है इसको। और इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको इस पर ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं कि आप कंटिन्यू विद गूगल, आप अपने गूगल अकाउंट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन, यदि आपका पहले से स्नैपचैट पर अकाउंट है तो आप लॉग इन पे क्लिक करके लॉग इन भी हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे न्यू अकाउंट बना रहे हैं, हमारा कोई अकाउंट नहीं है स्नैपचैट पर अभी तक, तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। न्यू अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये कुछ आपसे परमिशंस मांगता है, तो आपको इनको अलाउ अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे, फुल नेम डाल देने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट में आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पे मंथ, आपकी बर्थ ईयर की मंथ क्या है, और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सी ईयर में जन्म हुआ था। यहाँ पे फुल डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखने लगेगी आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपको एक यूजर नेम सजेस्ट करता है कि आपका ये वाला यूजर नेम रहेगा, यदि आप इस यूजर नेम को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज माई यूजर नेम पे क्लिक करके और दूसरा यूजर नेम भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हम यही रखना चाहते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यही रख लेने के बाद में। अब यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लें, आप जब भी नेक्स्ट टाइम स्नैपचैट में लॉग इन करेंगे इसी मोबाइल में या दूसरे मोबाइल में, आप यहाँ पे एक बार स्नैपचैट में अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद तो आप इजीली यहाँ पे लॉग इन हो जाया करेंगे। लेकिन जब भी आप लॉग आउट हो जाएंगे स्नैपचैट से, तो फिर दोबारा लॉग इन करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, या फिर दूसरे किसी मोबाइल में आप स्नैपचैट को लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने एक पासवर्ड बना लें और आप उसे याद रखें उस पासवर्ड को, पासवर्ड यहाँ पे डाल देने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। अब यहाँ पे फर्स्ट में ये आपकी कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है, यदि गलत कंट्री सिलेक्ट करता है तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री सही कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे ये आपका मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है, नोट कर लेता है, यदि गलत मोबाइल नंबर यहाँ पे नोट करता है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सुधार कर डाल सकते हैं। इसके बाद में यदि आप मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना नहीं चाहते, आप ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यूज ईमेल एड्रेस इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर दें तो आप अपनी ईमेल आईडी से भी अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन हम अपने मोबाइल नंबर से ही अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, इसने कंट्री सिलेक्ट कर ली, ये देख लेने के बाद में हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे नीचे। अब यहाँ पे हमारा ये जो मोबाइल नंबर था इस पर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, या फिर ये ओटीपी ऑटोमेटिक भी वेरीफाई कर लेगा। अब यहाँ पे ये आपके सामने कुछ आपसे ये कहता है कि आप फ्रेंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने, इन फ्रेंड्स को आप सिलेक्ट करके ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो आप इनको फ्रेंड बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना एक अवतार बना सकते हैं, तो आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं, ये बाद में भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऊपर स्किप पे क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पे ये करना नहीं चाहते, राइट। हम यहाँ पे कैमरे के लिए अलाउ कर देंगे, टर्न ऑन कर देंगे यहाँ पे और भी ये हमसे परमिशंस मांगता है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे, अलाउ करते जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर हम ये जो प्रोफाइल आइकन देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल आइकन पे। अब यहाँ पे हमारी डिटेल आ गई, हमारा नाम, यूजर नेम। अब यहाँ पे हम और भी डिटेल हमारी डाल सकते हैं इसमें, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, बायो वगैरह में, स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अब अपना स्नैपचैट ऐप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट बन के क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इस टाइप से आप स्नैपचैट में अकाउंट बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।